अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं वीवो Y12s एंड्रॉयड फ़ोन की कॉन्टैक्ट सेटिंग्स और सिम कॉन्टैक्ट शो करवाने का तरीका बताने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन कर लें। अबाउट सेक्शन में आप देख सकते हैं V2026 मॉडल है जो कि वीवो Y12s का शॉर्ट नेम है। बैक आ जाए, डिस्प्ले स्क्रीन पर ड्रैग करें और एप्लीकेशंस में इस कॉन्टैक्ट्स वाली ऐप को ओपन कर लें। टॉप साइड पर मौजूद इस 3 हाइफन वाली ऑप्शन को क्लिक करें और सेटिंग्स में आ जाएं। डिफॉल्ट अकाउंट फॉर न्यू कॉन्टैक्ट्स वाली इस ऑप्शन को क्लिक करके ओपन कर लें। इसमें आपने गूगल अकाउंट अगर लगाया होगा तो शो हो जाएगा। हम फिलवकत डिवाइस वाली ऑप्शन पर सेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब इम्पोर्ट वाली इस ऑप्शन को ओपन कर लें। इस ऑप्शन से आप .vcf फाइल मेमोरी कार्ड या मोबाइल की स्टोरेज से इम्पोर्ट करवा सकते हैं। ध्यान में रहे, जो हमने पिछले स्टेप में डिफॉल्ट न्यू कॉन्टैक्ट्स डिवाइस पर सेट किया था, अगर गूगल अकाउंट पर सेट होगा तो जो कॉन्टैक्ट्स आप इम्पोर्ट करेंगे वो गूगल अकाउंट में सेव हो जाएंगे। और इसी तरह सिम 1 और सिम 2 वाली ऑप्शन से कॉन्टैक्ट्स डिवाइस में इम्पोर्ट करवा कर शो करवा सकते हैं। इसके लिए सिम का इंतखाब कर लें और ओके पर क्लिक करते ही कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट करने के लिए शो हो जाएंगे। अब इस टिक वाली ऑप्शन से कॉन्टैक्ट्स को डिवाइस में इंपोर्ट कर लें। इसी तरीके से सिम कॉन्टैक्ट्स फोन में शो होंगे और डिवाइस में महफूज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 249 कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट हो गए हैं। अब बैक आ जाएं, आप देख सकते हैं पहले सिम कॉन्टैक्ट्स यहाँ शो नहीं हो रहे थे, अब शो हो चुके हैं। अगर कॉन्टैक्ट्स को डिलीट करना है तो किसी एक कॉन्टैक्ट पर थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे तो जब एक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट हो जाए तो टॉप पर मौजूद इस 3-डॉट ऑप्शन को क्लिक करें और सेलेक्ट ऑल पर सेट कर दें। अब इस डस्टबिन वाली ऑप्शन से तमाम कॉन्टैक्ट को डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।